एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 24 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां मेंबर कंट्री बना है माल्टा। शांति प्रयास फोर्थ एक्सरसाइज का आयोजन किया गया नेपाल में, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरक्का ये तेलंगाना में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है भारत, टॉप पर अमेरिका है। सबसे तेज 10,000 रन टी20 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान से हो जाएंगे। शशि थरूर को रिसेंटली फ्रांस ने अपने हाइएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया है और बाफ्टा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है ओपनहाइमर ने। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ये बनकर तो पहले ही तैयार हो गया था, रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और इसकी जो ऊंचाई है ना, पेरिस में स्थित जो आइफल टावर है इससे भी ऊंची है, इससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। और नदी तल से इस ब्रिज की ऊंचाई जो है ये 359 मीटर है। इसे बनाने में 14,000 करोड़ की लागत आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का भी उद्घाटन किया है। इसका नाम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। तो इस ब्रिज के बारे में यदि मैं बात करूं तो 40 किलो तक का विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप झेल सकता है, इसे हैंडल कर सकता है। यह शक्तिशाली ब्रिज आपको जो दिखाई दे रहा है ये बन करके तैयार हुआ जम्मू कश्मीर में। तो आज मैंने ऐसा नहीं लिखा कि किस राज्य या यूटी में बनकर तैयार हुआ, मैंने डायरेक्ट लिखा कि भाई किस नदी पर बनकर तैयार हुआ है, चिनाब नदी पर। अब देखिए क्वेश्चन से मिलता जुलता मैंने ऑप्शन रखा है ताकि आप एडिशनल चीजें यहां से रिलेट कर सके। जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये तो चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। दुनिया में सबसे ऊंचा यदि नदी पुल पूछा जाता तो ये महानदी पर है। इसका नाम क्या है? हीरा कुंड बांध। कहाँ है? तो ये ओडिशा में हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल की शुरुआत की गई है। देखिए भारत का पहला अंडर वाटर टनल बना है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। पूर्वोत्तर भारत का पहला अंडर वाटर टनल है जो कि बन रहा है ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी असम में। हुगली नदी की मैं बात करूं तो यहां से आपको रिलेट करना है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। देश की पहली अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर देश की पहली जो मेट्रो ट्रेन है इसी हुगली नदी पर चलाई गई है। ठीक है, तो ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर तो है चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर से चलिए कुछ करंट अफेयर के फैक्ट हम देख लेते हैं। इसकी राजधानी तो श्रीनगर है, यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहीं पर पहली बार कैनबिस मेडिसिन परियोजना यानी कि भांग को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी शुरुआत की गई। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला। श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शहर यही है। कुपवाड़ा में बंगस वैली फेस्टिवल शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर के फैक्ट है जो कि हमें जम्मू कश्मीर से रिलेट करके याद रखना है। और देखिए मेरी तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा सही तो नहीं हुई है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ना बना पाऊं। तभी भी थोड़ा सा एफर्ट किया, आप वैल्यू करें, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा है, हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु में रोडा माइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर बैन लगाया गया है? तो रिसेंटली कॉटन कैंडी जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, आप लोग खाते भी खूब होंगे, इस पर बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु और पुदुचेरी सरकार ने रोडा माइन बी केमिकल की उपस्थिति के कारण कॉटन कैंडी की जो बिक्री थी इस पर रोक लगाया है। तो रोडा माइन बी एक प्रकार का सिंथेटिक डाई केमिकल है। इस केमिकल का इस्तेमाल किसी चीज को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्रमुख तौर पर रोडा माइन बी केमिकल का प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में कपड़ों को रंगने के लिए आप कह सकते हैं। लंबे समय तक अगर रोडामाइन बी केमिकल का सेवन किया जाए तो इससे कैंसर, लीवर और किडनी खराब होने तक का खतरा होता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और विशेष रूप से तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब इसे खाद्य उत्पादों के साथ यानी कि फूड प्रोडक्ट्स के साथ इसे मिलाया जाता है और जिससे समय के साथ कैंसर और ट्यूमर है जो कि व्यक्ति को हो जाता है। इसी पर अभी बैन लगा दिया है तमिलनाडु और पुदुचेरी में। अगला सवाल है, IBSA फंड का गठन
कब हुआ, क्योंकि ये अभी चर्चे में है, तो इसका गठन किया गया था आज से लगभग, यानी कि अब से 20 साल पहले 2004 में, आईबीएसए, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका, ये 3 देशों का संगठन है। भारत ने हाल ही में गरीबी और भूख से निपटने के लिए इसी फंड को 10 लाख डॉलर इतने का योगदान दिया है, इसलिए ये चर्चे में है। अब इंडिया, ये तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगा, ब्राजील ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, साउथ अमेरिका का, और साउथ अफ्रीका, इसकी 3 कैपिटल है, कौन कौन सी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। ये 3 कैपिटल इसकी हो जाएगी। अच्छा, यहां से आपको ये भी याद रखना है, यहां बात की जा रही है भूखमरी की, तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं हंगर इंडेक्स 2023 के लिए, जो हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें पूछा जाए कि भूखमरी से प्रभावित देशों में भारत किस स्थान पर है, इंडिया हो जाएगा 111वें स्थान पर, पड़ोसी देशों से भी स्थिति भारत की बदतर बताई गई है। सवाल आप लोगों से ये है कि इसमें टॉप पर कौन है। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता। कल इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने यूट्यूब में जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, इसमें 50% से अधिक स्टूडेंट के आंसर गलत थे। मैंने पूछा था कि भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, इसमें 50% से अधिक लोगों ने कहा था कि इसका आंसर रणवीर कपूर है, जो कि गलत आंसर था। नहीं, इसका आंसर है शाहरुख खान। दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान ने जीता है इनकी फिल्म जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी हालांकि जवान ही बताई गई है। एक्ट्रेस की कैटेगरी में हम देखें तो रानी मुखर्जी ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। डायरेक्टर में संदीप रेड्डी वांगा, जो कि एनिमल फिल्म के डायरेक्टर है। फीचर फिल्म ओपनहाइमर को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में देखा जाए तो 12th फेल को चुना गया है। तो इस प्रश्न का आंसर होता है शाहरुख खान। वही शाहरुख खान जो कि कुछ समय पहले ही चाइनीज फोन निर्माता कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। आप लोग रणवीर कपूर का आंसर दे रहे थे। देखिए, अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 दिया गया है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर ने जीता है इनकी फिल्म एनिमल के लिए, तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे। अल्लू अर्जुन अभी पिछले साल का जो नेशनल फिल्म अवार्ड रहा था, 2023 की मैं बात कर रही हूँ, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन ने इनकी फिल्म पुष्पा के लिए जीता था। एक्ट्रेस की कैटेगरी में ये जीता था आलिया भट्ट और कृति सेनन ने। ऋतिक रोशन ने पिछले साल का जो आईफा अवार्ड था 2023 वाला, इसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था इनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए, तो यहां पर आप कंफ्यूज ना हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एआई चैट बॉट हनुमान ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चैट जीपीटी के जैसा ही एआई चैट बॉट हनुमान ये लॉन्च करेगी। कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटी, संबंधित यूनिवर्सिटी मतलब एफिलिएट यूनिवर्सिटी जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्था के साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक है ये हो जाएंगे मुकेश अंबानी। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में ये शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यदि मैं बात करूँ ना, तो बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। इसने दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है तुमकुरु में, कर्नाटका में। इसरो से आप रिलेट कर सकते हैं, भारत की स्पेस एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा। इसरो का जो मिशन चर्चे में है, सोलर स्टडी के लिए लॉन्च किया गया आदित्य L1 मिशन। डीआरडीओ इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में। समीर बी कामत वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। भारत ड्रोन जो है ये इसी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। अगला सवाल है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बनकर के उभरे हैं। आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है अमेरिका की एक एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। इसमें दूसरे स्थान पर 65% अप्रूवल रेटिंग के साथ है मैक्सिको के जो राष्ट्रपति है आंद्रेज मैनुअल लापेज, ये रहे दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर रहे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, और जो शक्तिशाली देश है अमेरिका, इसके प्रेसिडेंट जो बाइडन, ये रहे हैं 11वें स्थान पर। जो बाइडन का स्थान है 11वां।
सी जिनपिंग ये हो जाएंगे चाइना के राष्ट्रपति, फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी दो कंट्रीज ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है, एक तो है पापुआ न्यूगिनी, दूसरा इसमें हो जाएगा फिजी। अगला सवाल है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित होना है श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो में, 1 मार्च से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आपको मालूम है भारत में भी हरियाणा में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो ये जो महोत्सव है हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय प्रायोजन से आयोजित किया जाना है श्रीलंका में। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति प्रस्तुत भी की जानी है। श्रीलंका जिसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने। और यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। तो सिलेनेक्स एक्सरसाइज, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, सिलेनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। इसके अलावा मित्र शक्ति अभ्यास भी भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट से रिलेट करके बताया था कि हाल ही में भारतीय आवास परियोजना का जो चौथा चरण है ये यहीं से शुरू किया गया है। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं, भारत की पहली जो इंटरनेशनल क्रूज सर्विस है, अंतरराष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत किसी देश के साथ शुरू होने जा रही है, तो ये श्रीलंका ही हो जाएगा। जाफना आप देख सकते हैं ऊपर में, इसके मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका को सेपरेट करती है, पाक स्ट्रेट की भी लोकेशन यहीं पर हो जाएगी। लास्ट ईयर जो एशिया कप रहा था ना, पुरुषों का एशिया कप 2023 का, जिसका फाइनल कोलंबो में खेला गया था, इसमें विजेता तो रहा था भारत, उपविजेता के रूप में श्रीलंका ही रहा था। उपविजेता इसमें श्रीलंका था, भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया था। चलिए ऑप्शन से हम कुछ रिलेट करेंगे, भारत और इन देशों के संबंध यदि हम देखें तो मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच में है, नेपाल के साथ भारत की जो परियोजना है ये अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर के है, और मंगदेक्षु प्रोजेक्ट, मंगदेक्षु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भारत का भूटान के साथ संबंधित है। अगला सवाल है, किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 का जो सेशन होगा इसमें स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस, यानी कि बिना बैग के स्कूल आना ये कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग का अधिकतम वजन भी डिसाइड किया गया है, 1 से 2, 3 से 5, 6 से 7, 8वीं 9वीं 10वीं, कितना किलोग्राम तक वजन आप कैरी कर सकते हैं तनाव मुक्त रहने के लिए, ऐसा फैसला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जिसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर यदि हम देखें तो देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में ही है। ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। देश की पहली सोलर सिटी सांची है। नर्मदा लोक बनना है अमरकंटक में, ऐसा प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य भारत ने रखा है 2047 तक का, और इसके उन्मूलन की पहल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शहडोल से शुरू करी है। हिमाचल प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हैं, यहाँ का जो हाटी समुदाय है इसे ST की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अभी बास्केट पहल की शुरुआत, हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत उत्तराखंड ने की है, और अम्मा वोडी स्कीम आप रिलेट कर सकते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट से। अगला सवाल है, हाल ही में कान लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी करी है, किस देश का है ये? ये तुर्की का लड़ाकू विमान है जिसने की अपनी पहली उड़ान पूरी की है। 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसे कान कहा जाता है। 8,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और 230 समुद्री मील की गति इसने हासिल करी है। तुर्की आप देख पा रहे हैं ब्लैक सी के जस्ट नीचे में इसकी लोकेशन, मैं आपको कई बार बताई हूं, यदि आप सोच रहे हो तुर्की एशिया में आता है या यूरोप में, तो आप याद रखें तुर्की यूरोप में भी आता है और तुर्की एशिया में भी आता है। तुर्की का वह हिस्सा जो एशिया में आता है ये कहलाता है अनातोलिया। मैं सारी चीजें मेंशन करके दे दे रही हूँ ताकि जब आप PDF पढ़े तो कंफ्यूज ना हो। तुर्की का वह हिस्सा जो यूरोप में आएगा, यूरोप में आता है ये इस्तांबुल, और शेष हिस्सा तुर्की का एशिया में आता है, तो एशिया वाला हिस्सा अनातोलिया और यूरोप वाला हिस्सा थ्रेस कहलाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी कौन सी जल संधि है जिसके माध्यम से इधर पर एशिया और यहाँ यूरोप है जो कि सेपरेट होते हैं, तो याद रखें
ये है बॉस्पोरस जल संधि। बॉस्पोरस जल संधि के माध्यम से एशिया और यूरोप है जो कि ये अलग होते हैं। ठीक है, तुर्की की कैपिटल अंकारा, करेंसी तुर्किस लीरा, रजब तैयब वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तुर्की और सीरिया अभी कुछ समय पहले ही भूकंप से प्रभावित था, तो भारत ने इसे हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत करी थी। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें, साउथ कोरिया से नूरी रॉकेट आप लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च नहीं रिलेट कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है। नूरी इसका स्वदेश निर्मित पहला रॉकेट था जो कि इसने लॉन्च किया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो कि नासा है, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है, ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाने जा रही है, लिग्नोसेट प्रोब जिसका नाम होगा। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? तो अभी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुके हैं चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जिसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए कुछ खेलों के शुभंकर यहाँ से मैंने मेंशन किए हैं जहां से आप कुछ ना कुछ तो रिलेट कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या हुआ है कि असम में क्या होने जा रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन, और इसी का शुभंकर जो लॉन्च किया गया है अष्टलक्ष्मी है। अभी तमिलनाडु में क्या आयोजित किया गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्स माफ कीजिएगा यूथ गेम्स अलग है, पैरा गेम्स अलग है, यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, विंटर गेम्स अलग है। बार बार मैं आपको अलग अलग करके बताते रहती हूँ। तो इसका शुभंकर था वीरा मंगई, जबकि अभी लास्ट टाइम जो नेशनल गेम्स होस्ट किए थे, नेशनल गेम्स ये मैं 2023 की बात कर रही हूँ, गोवा ने होस्ट किए थे, इसका शुभंकर था मोगा। अब जो नेक्स्ट नेशनल गेम्स होंगे वो उत्तराखंड होस्ट करेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विश्व के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर हम देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, नाटो का है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में। देखिए, नाटो का मेंबर भारत नहीं है और नाटो में शामिल 31वीं मेंबर कंट्री फिनलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख अभी हाल ही में नवाब सलाम बने हैं। यूनिसेफ का मेंबर भारत है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में। रेड क्रॉस जेनेवा में। एडीबी का मनीला फिलीपींस में। इंटरपोल का हो जाएगा लियोन फ्रांस में। मैंने कल आपसे पूछा था 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, आंसर इसका हो जाएगा गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। आज का सवाल है आपका, कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।